जितना कांग्रेस ने 60 साल में किया है इतना ये 9 साल में नहीं किया है। महंगाई इतना जितने बढ़ा उतना 60 साल में नहीं हुआ था, सही कह रहा हूँ। इंडिया से तेल खरीदती है नेपाल, ठीक है, इसी से खरीदती है, वो 60 रुपए में बेच रही है। अब ये जो है कि बेच करके जो है कि इनके पास जो है वो जो है कि 100 रुपए बेच रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ जा रहे हैं? एक चीज बताओ, जब यहाँ बेच रहे हो 60, ये जो है कि 200 रुपया में, अब यही हम खरीद के आपसे जो है कि मैं जो है कि 90 रुपया में बेचूंगा, तो आखिर कहाँ से मार्जिन कर रहे हैं? सिलेंडर के रेट बढ़ गए, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान है, ठीक है। अब ये कहेगा कि खा नहीं रहे हो क्या? अरे वो तो खाएगा ही खाएगा किसी तरह, पढ़ाई रोजगार है, ये पढ़ाई है, सारे दिल्ली में जा रहे हैं पढ़ने बच्चे यहाँ के। 10 साल के अंदर में सरकार में यही है कि जो अमीर आदमी का जो है ना, इसमें पूंजीपतियों का ये सरकार है। अच्छा। हम जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के लिए कहने का मतलब ये है कि हम लोग को रोजगार चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि हम लोग जितने हैं गरीब तबके के लोग, ये परेशानी में है, सिलेंडर से लेके या ये GST जो है, ये गरीब आम पब्लिक दे रहा है। बड़े आदमी तो दे के मान लेते हैं, लेकिन लगता है आम पब्लिक का। तो इस सरकार में पूंजीपतियों का सरकार है, इसमें गरीब तबके परेशानी में है, समझ रहे हैं ना? इसलिए कि हम लोग बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये बताइए, ये स्पॉट लाइन है चाहे जो भी लाइन है, यहाँ पर कंपनी है, इसमें सैलरी देखिए कितना कम सैलरी है, और बड़े बड़े लोग हैं। अरे लोगों को राशन भी तो दे रहे हैं मोदी जी। अरे राशन, ये खाली राशन जो दे रहे हैं ना, ये समझिए खाली देखावा है बस। ये चुनाव के बाद फिर वही हो जाएगा, अभी फ्री दिया जा रहा है, इसलिए कि इलेक्शन नज़दीक है, सब इलेक्शन की वजह से। हाँ, उज्ज्वला योजना की आपको सिलेंडर फ्री सबको नहीं मिला है ना, जो एकदम नीचा ग्रेड के है ना, नीचा ग्रेड के, सुनिए, उज्वला दिखा रहा है लेकिन सब पैसा तो ले रहा है। और जो ज्यादा गरीब टाइप के है ना, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना? छोटे जो बिजनेस हैं, अभी जो छोटे जो बिजनेस हैं, दाल चावल जो बेच रहे हैं, दाल के रेट 180 रुपये किलो हो गया, मटर का, छोले का, अगर वो एक बोरी लाता है तो डबल पूंजी उसे लगाना है। पहले 80 रुपये के 90 रुपये किलो था, डबल पूंजी लगाएगा, डबल पूंजी लगाएगा, घर का खर्चा चलाएगा, यानी जो 50,000 में वो काम कर रहा था वहाँ 1,00,000 रुपये उसे सीधा लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसी में उसे खर्चा चलाना पड़ेगा, तो यानी वो टूट जाएगा। तो कह रहे गरीबों का भी विकास हुआ, यानी गरीबों का विकास कहाँ हुआ है? गरीब परेशानी में है। अच्छा, गरीब परेशानी। हाँ, बेरोजगार है। मोदी जी कहते हैं मैं भी गरीब हूँ। गरीब तो कहेंगे ही नेता, सभी लोग तो कहते हैं, सूट पहन रहे हैं वो, इसलिए तो 1,00,000 के सूट पहन रहे हैं वो, गरीब हैं इसलिए तो है। क्या बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, या तो NDA आए, या तो MI पार्टी है, बलिस्टर पढ़े हुए, उससे अच्छा नेता कौन है यहाँ पे? पढ़ा लिखा नेता चाहिए ना। मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं, मोदी जी बलिस्टर किए हुए हैं, गांधी जी बलिस्टर किए हुए थे, बदलाव तो अब तो होगा ही होगा, ये निश्चित है, बदलाव होगा, बदलाव होगा। हाँ, लग रहा है देश में वो नेता चाहिए जो सक्षम हो, पढ़ा लिखा हो, बदलाव होगा। मतलब मोदी गंवा रहे हैं तुम्हारे कहने, बिल्कुल गंवा रहे, तुम्हारे कहने मतलब मोदी गंवा रहे हैं, बिल्कुल गंवा रहे। अरे गंवा रहे, कुछ नहीं, बढ़िया चल रहा है, बस इनके हिसाब से सब बढ़िया चल रहा है। आप देखिए जिस रोड पे आप खड़े हैं, सारे मजदूर किसान बेचारे गरीब नौजवान घर के लड़के हैं, तो सब कैसे बढ़िया चल रहा है? जब इतना भाई तो कैसे फपस सुन रहा था, सुन करो, श्रीलंका नहीं बनाना, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, भारत है, भारत रहेगा। श्रीलंका की आपने हालत देखी? श्रीलंका की हालत, पाकिस्तान की हालत देख रहे हो? हिंदुस्तान की हालत देखो, इसे ये नहीं बनाना, ये भारत है, भारत है, भारत है, भारत रहेगा, बात सही है। पाकिस्तान कैसे नहीं कर सकता? पाकिस्तान कैसे बनेगा भैया? पाकिस्तान कैसे बनेगा? भुखमरी बता रहा हूँ, भुखमरी, महंगाई, ये कम हो रही है ना, क्या महंगाई तो कम हो रही है? कम तो है, क्यों यहाँ अपने देश में कम ही नहीं है? क्यों नहीं, नहीं कौन भूखा मर रहा बताओ आप? भाई घर घर जाकर चेक कर रहे हैं, घर घर जाकर आप तो बीजेपी हार जाएगी। टाइम हो रहा है, ड्यूटी का इसलिए जा रहा हूँ। आप बीजेपी प्रवक्ता एंकर हो, आप एंकर बन के बात करो। प्रवक्ता कैसे लगे आप? मतलब आपका विरोध कर, मतलब विरोध नहीं, मतलब बात सुनने तैयार नहीं है आप, विरोध वाली बात ही नहीं कर रहा। सुना कह रहे हैं तो भाग रहे हैं, लाइफ टाइम होगा इसलिए जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की थोड़ी है, कहाँ की? भाई का कहना है, बढ़िया लगता है हमें तो, भाई बढ़िया लगती है। क्यों बढ़िया, क्यों लगती है बताओ? बढ़िया इसलिए लगती है क्या, वो गरीबों के बारे में ज्यादा सोचती है। मोदी जी नहीं सोच रहे गरीबों के बारे में, वो सोचते हैं, लेकिन अगर जो 10% गरीबों के बारे में तो 20% अमीरों के बारे में। राशन पानी नहीं दे रहे आपको? राशन पानी सब कुछ मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर काहे विरोध मोदी जी? ठीक है, आप भाई के कहने पर मैंने बोल दिया।
ठीक है, विरोध तो मैं किसी का भी नहीं करता, मैं तो सुनता ही रहता हूं। क्या परेशानी है भैया? हमें तो परेशानी है कि आप जिस रोड पे खड़े हैं सारे नौजवान किसान बेचारे आ रहे हैं। अब जो लड़का बीए करके बीएससी करके आईटीआई करके आएगा, अब बेरोजगारी इतना देश के अंदर है कि उसके घर की स्थिति सही नहीं है, तो लड़का मजबूर है कि मजदूरी करेगा, काम करेगा। ये स्थिति है देश के अंदर। और वहीं पे आज चाइना है हमारे देश के अंदर, सारी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है चाइना से आएगा हमारे देश के अंदर, पर्सनल ब्रांडिंग होकर देश के अंदर बिकती है। बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती है हमारे देश यहाँ बिकती है, लेकिन हमारे देश का जो नौजवान है उसका सही इस्तेमाल सरकार नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है कि नौजवान बेचारा गरीब घर का लड़का जब पढ़ेगा तो उसको तो अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छे जॉब चाहिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी पर काम कर सके। लेकिन हमारे यहाँ जब व्यवस्था ही नहीं है, जब स्कूल अच्छे नहीं है, कॉलेज अच्छे नहीं है, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, जब लैब अच्छे नहीं है। बीजेपी ने बनवाया सब, हम जो बताएंगे क्या क्या बनवाया बीजेपी ने। अरे यार इन्हें सही से बात करो यार, क्या हो गया, बता दो बनवाया वो कुछ बीजेपी ने, इसको कुछ पता नहीं है क्या इशू, क्या बताऊं क्या क्या बनवाया, जितना कांग्रेस ने 60 साल में किया है इतना ये 9 साल में नहीं किया है। महंगाई इतना जिसने बढ़ाया उतना 60 साल में नहीं हुआ था, सही कह रहा हूँ। क्या महंगाई बढ़ गया, क्या महंगाई, सब कुछ महंगाई, स्कूल कॉलेज नहीं है, खाने पीने चीजों पे जीएसटी है, जीएसटी पे चले जाओगे। ये युवा है, इनको स्कूल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, बीजेपी ने बनवाए कुछ तो क्यों नहीं बनवाया यार, स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए बीजेपी ने। अरे आप तो बता दीजिए ना, सब तो स्कूल कॉलेज में पढ़ी रहे हैं यहाँ पे, तुम सारे नौजवान लड़के इतने आईआईटी बनवाए, तुम कहाँ तक पढ़े हो, तुम कहाँ तक पढ़े हो, अरे कितने आईआईटी बनवाए बीजेपी ने, बीजेपी ने 7-8 बनवाया आईआईटी। नाम बताइए, एक नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, ये मोबाइल है चेक कर लो। अगर कांग्रेस ने 6-7 साल में जितने बनाए हैं उतने इन्होंने नहीं बनाया है, तो फिर ये फिर मुझे बताना, फिर बीजेपी खराब है। हाँ फिर बीजेपी खराब है, तुम चेक कर लो। इसरो किसने बनवाया, जहाँ पे आप सोच रही है, जहाँ पे सोच रही है, जहाँ पे हमारे देश को जब साइंटिस्ट हैं जिसने जो साउथ पोल की जिसने खोज करी है, जहाँ पे जो चंद्रयान है उसकी भी तो कई उसमें भी तो कांग्रेस नहीं बनाया था, इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कांग्रेस ने बनवाया था। अगर पहले सरकार बनाती है, पहले से वो शासन कर रही है, सुनो बताओ, पहले अगर वो सरकार में थी, सरकार बनाई है तो काम नहीं करेगी, ऐसे सिर्फ घोटाला ही घोटाला करेगी। संस्था बनानी चाहिए, ये तो कह रहे थे कि हम कांग्रेस से बेहतर करेंगे, कांग्रेस से अच्छा करेंगे, कांग्रेस ने देश को लूटा है, उसने देश को लूटा तो उसने इसरो बनवा दिया, आपने क्या बनवाया, आपने नहीं लूटा तो क्या बनाया बताओ। इसरो सुनो, इसरो बना हुआ है, इसरो इसरो जिस पे काम कर रहे हैं, इसरो जब बना हुआ तो क्या वो हर एक जगह इसरो ही बनेगा क्या, हर एक जगह इसरो ही बनेगा क्या। अरे ये कहो सुनो, 2014 से पहले क्यों नहीं साउथ पोल में गया था, उसको बजट ही नहीं मिलता था, बजट नहीं मिलता था, आपको कैसे पता। अच्छा उसके पहले कोई शोध नहीं हुई थी, उसके पहले कोई शोध नहीं हुई थी, उसके पहले साइंटिस्ट उसके कुछ नहीं कर रहे थे, देश के दिन इंसान अपने माइंड का इस्तेमाल करता है, दिन ब दिन तरक्की होती जाती है, कर रहे थे लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रहे थे जिस हिसाब से ये 9 साल में हुआ है, उस हिसाब से डिजिटल मीडिया है, आज डिजिटल मीडिया है, आगे वाले आने वाले समय में कैमरा ले रहे, कैमरा से इससे भी अच्छी फैसिलिटी हो सकती है, देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे उसमें। हाँ लेकिन जो महंगाई है, ये कह रहे हैं कि टैक्स का पैसा जो है जनता का है, तो मोदी जी श्रेय क्यों ले रहे हैं, तो कांग्रेस नहीं बनवाती थी, कांग्रेस क्या बनवाती थी, क्या कांग्रेस ये 4 लेन 6 लेन बनवाती थी, क्या बनवाती थी, क्या ये उसके टाइम में ये टू यमुना एक्सप्रेसवे वन वे था ना, यमुना एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेस अखिलेश ने बनवाया था, अखिलेश ने बनवाया था, वो क्या बनवाया नहीं क्या, सब काम करते हैं। अरे बनवाया लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो जैसे एक दिन 8 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज 37-38 किलोमीटर सड़क बन रही है, तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, पहले क्यों नहीं बनवाया उसने, पहले क्यों नहीं बनवाया, अभी आप देखो किसी भी। अच्छा आप पैदल चलते हो, जो बाइक से चलने वाले हैं उनको बड़ी परेशानी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, वो क्या करेंगे, पेट्रोल ये वैश्विक है और हर एक देश में अभी यहाँ पे जो यहाँ सिलेंडर कितने में है, अब 900 का कर दिया, 900 कर दिया, अभी पाकिस्तान में 2500 का मिल रहा है, फिर महंगा हो जाएगा, महंगा हुआ था वहाँ 2500 में मिल रहा है, तो उससे क्या सस्ता है कि महंगा है यहाँ पे, बांग्लादेश में इंडिया से तेल खरीदती है नेपाल, ठीक है इसी से खरीदती है, वो 60 रुपए में बेच रही है, अब ये जो है कि बेच करके जो है कि इनके पास जो है वो जो है कि 100 रुपए बेच रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, एक चीज बताओ, जब यहाँ बेच रहे हो 60, ये जो है कि 200 रुपया में, अब यही हम खरीद के आपसे जो है कि मैं जो है कि 90 रुपया में बेचूंगा,
तो आखिर कहाँ से बाहर जा रहे हो? इधर सुनो, जब ये नेपाल का और यहाँ में अंतर है कि नहीं? हाँ, तो अंतर है। क्या है। जितना यहाँ विकास का उसके हिसाब से तो यहाँ पैसा देता है ना वो? नहीं तो यहाँ 60 रुपए ले रहा है, यहाँ तो 60 के हिसाब से वो तो पैसा देता है ना बढ़ा के। जितना यहाँ जो पेट्रोलियम कंपनी में ड्यूटी करते हैं जितना उसको रहा है, जितना यहाँ के एम्प्लॉय को कुछ नहीं है। ये क्या परेशानी रही 9 साल में? ठीक है, क्या परेशानी रही 9 साल में? 9 साल में परेशानी सब परेशानी है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी परेशानी नहीं है ये बताओ आप, एक भी परेशानी बताओ कि नहीं है। क्या क्या आपको क्या परेशानी हुई 9 साल में? अरे भैया, महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर के रेट बढ़ गई, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं। ठीक है, अब ये कहेगा कि खा नहीं रहे हो क्या? अरे वो तो खाएगा ही खाएगा किसी तरह, पढ़ाई रोजगार है, ये पढ़ाई है, सारे दिल्ली में जा रहे हैं पढ़ने बच्चे, यहाँ के यूपी के अभी देखो ऑटो लेके सारे जो गाड़ी से बाइक से पहुँचा रहे दिल्ली पढ़ाने के लिए। क्यों आखिर क्यों दिल्ली जा रहे हैं वो, अगर यहाँ है क्षमता है पढ़ाने का, ये सही पढ़ाई है, है? विकास क्या चीज़ से करेगा? जब पढ़ा विकास हो रहा है, जब विकास जब ही होगा जब पढ़ेगा, जब पढ़ेगा जब अकल आएगा, जब वो इंजीनियर बनेगा, जब डॉक्टर बनेंगे, जब तो विकास होगा ना, या रोड पर चलने से विकास हो जाएगा। आपका हुआ विकास? इधर आइए, इधर आइए, यहाँ आइए। विकास हुआ 9 साल में? कहाँ विकास हुआ सर? इधर कौन करो, कौन करो विकास नहीं हुआ? जब से सरकार आई है 9 साल विकास नहीं हुआ, कौन सा विकास नहीं हुआ ये बताओ यार, तुम बताओ। अरे कोई मुझे ये बताया कि कौन सा विकास नहीं हुआ है? लगा रेलवे प्राइवेट कर गया, अब नौकरी कौन देगा? मोदी जी थोड़े देंगे रेलवे में नौकरी, कौन देगा? जो ठेका लिया है वो देगा। अरे जो 40,000 पे नौकरी था मोदी जी के पास, वो अब जो है कि 15,000 पे जो है कि बताएंगे काम। आप चुप रहिए, बताएंगे काम, बताएंगे। हाँ पाँच बता रहे, कौन से पाँच काम ये बताओ? मोदी जी ने जो करे विकास करा होगा, मोदी ने हर विकास करो, एगो पहले विकास तो अस्पताल देखो, अस्पताल देखे। यूपी के सब दिल्ली जा रहे हैं जो कि इलाज कराने। अरे दिल्ली जा रहे हैं, क्यों कौन थे यूपी ये बताओ, पहले सुनो पहले। अरे बताओ यूपी का हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, अभी जला बनाई नहीं है कौन? अरे यार तुम हॉस्पिटल के बाद, हां जमान देखो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद स्कूल से अच्छे करे। कितने स्कूल बताए? हां कितने स्कूल बताए? केबी स्कूल दो, जितने केबी है केबी में, जितने भी नोएडा में कहाँ है केबी है ना, जहाँ सेक्टर 24 में केबी ना ये, हाँ सेक्टर 24 में केबी बनो ही को, और गाजियाबाद में ही बन रो है। अच्छा, हाँ और बताइए। और उसमें अरे काम स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, और बताइए। और उसने काम करो अभी रोजगारी। अच्छा, रोजगार रोजगार सुनो तो पहले सुनो, चरखा गांधी जी वाला चरखा। अरे गांधी जी का चरखा ऐसे थोड़ी खा, चरखा थोड़ी पकोड़े, तुम तो ये नहीं देख रहे हो तरक्की कहाँ गई है। जब पैसे ही नहीं होंगे आदमी के पास, पकौड़े खरीदेगा कौन है? तभी तभी कहाँ रोजगार दिया, कहाँ ने रोजगार दिया? ये कंपनियां यहाँ कैसे आ गई? दिल्ली की कंपनियां नौजवान कैसे आ गई? ये भी कौन बाहर जा सकती थी, विदेश में जा सकती थी? अच्छा, हाँ मोदी जी लाए, हाँ और कौन लाया है यहाँ पे? अच्छा, हाँ पहले भी आ रहा था, हाँ उससे तो पहले भी आ रहा था ना। अरे पहले भी था ना। भैया आप कहाँ के हो? कौन आप? शाहजहांपुर से यहाँ कैसे आ गए? नोएडा में? शाहजहांपुर में रहते हैं। मोदी जी लाए? मोदी जी थोड़ी लाए हमें, हम खुद आए हैं यहाँ पे, हम अपनी पढ़ाई कंपनी भी तो खुद ही आई है, हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपना 5 टाइम जॉब भी कर रहे हैं। कहाँ पे स्कूल सब कुछ है भाई साहब, वहाँ पे भी है, वहाँ पे बस रोजगार नहीं है। वहाँ पे भी, वहाँ पे भी तो बीजेपी की सरकार है भाई, बीजेपी सरकार है। सुनो तो पहले रोजगार कैसे? अरे यार अब ये बताओ, अरे सुनो पहले, रोजगार इतना है वहाँ पर, रोजगार तो ये है। अरे मुद्दा इसका, अच्छा तुम तुम बताओ तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो? यहीं रहते हो? हम शाहजहांपुर के हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, 5 टाइम जॉब कर रहे हैं, अगर हम करना चाहें तो वहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं। हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपना खर्चा निकाल रहे हैं, गार्जियन सक्षम नहीं है इनके पढ़ाने के लिए, तो ये यहाँ इनके पढ़ रहे हैं, अब अपना नौकरी कर रहे हैं, खर्चा निकाल रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना।